बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वादा देख रहे हैं कि 3300 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी वादा 3300 के पार जा चुका है, 3300 के ऊपर निकल चुका है और 3300 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। जानकारों के मुताबिक अभी इन लेवल से कुछ मुनाफा वसूली बिनौला खल की कीमतों में बनती नज़र आ सकती है, लेकिन ओवरऑल रुझान बिनौला खल में तेजी का ही रहेगा। बिनौला खल में अभी 3400 का नेक्स्ट लेवल रहेगा, जो जानकार अभी बता रहे हैं 3400 के बाद बिनौला खल में अभी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बिनौला खल का जो ओवरऑल आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। आपको बता दें कि इस बार कॉटन सीड यानी जो कपास के बीज होते हैं जिनसे बिनौला खल बनता है, उन बीजों की किल्लत देखने को मिली है, और जब किल्लत बीजों की देखने को मिली है उसकी वजह से बिनौला खल का जो उत्पादन है वो भी कमी देखने को मिला है। लगभग 10-15% की गिरावट बिनौला खल के उत्पादन में इस बार देखने को मिली है। दूसरा, कॉटन की कीमतों में जो तेज़ी आ रही है उसका असर भी बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है। और अभी आगे जाके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है और अभी आगे जाके जो डेयरी सेक्टर हो गया, पोल्ट्री सेक्टर हो गया, वहाँ से अभी जो डिमांड है बिनौला खल की भी वो उठती नज़र आ सकती है। तो ओवरऑल रुझान बिनौला खल की कीमतों में तेज़ी का ही रहने वाला है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा, उनके मुताबिक बिनौला खल 2022 की पहली तिमाही में 3400 के लेवल दिखा सकता है। वहीं 6 महीने पर बिनौला खल 4000, और अगर पूरे साल की बात की जाए तो साल 2022 में बिनौला खल एक साल पूरे साल 2022 में 4400 तक के लेवल दिखा सकता है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट हैं अमित सजेजा, उनका मानना है। तो ओवरऑल रुझान बिनौला खल में तेज़ी का ही रहने वाला है।